तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो केवाईटी बॉय, जहाँ पे आपको जो कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है। आज मेरे पास जो काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड हाँ सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मैं आपको इश्तियाक जी एंड आमिर माजिद के बारे में। तो कल इश्तियाक जी का एक सॉन्ग आया था एंड उसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे कि ये जो है डिस्ट्रैक है आमिर माजिद पर, उसी से रिलेटेड जो है इश्तियाक जी ने आज एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि वो जो है डिस्ट्रैक नहीं है, वो ऐसे ही एक सॉन्ग है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। कल मेरा गाना आया था और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दी है कि भाई डिस्ट्रैक निकाला अपने आमिर भाई पे, आए हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लिया करो एक बार। यहाँ पे क्या लिखा है, आई रोट दिस सॉन्ग 3 years अगो, नाउ आई हैव एडिट सम मोर लिरिक्स टू इट, परफॉर्म रिटन एंड म्यूजिक बाई इश्तियाक जी। तो ये गाना भाई 3 साल पहले मैंने बनाया था बट अब जाके मैंने रिलीज़ किया, तो ये डिस्ट्रैक कैसे हो सकता भाई? अगर आप हिप हॉप सुनते हो, रैप सुनते हो, तो आपको पता होगा हिप हॉप कल्चर में क्या चलता है, मतलब ये सब होता है। तो भाई मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल पे कुछ भी थंबनेल डाल रहे हैं भाई कि ये वो हो गया वो हो गया। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मैं आता हूँ शहीद हुजबा अली के बारे में। तो ये जो है कश्मीर की यूट्यूबर है एंड इन्होंने जो है शायद से किसी का मतलब इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करा था एंड जिनका इन्होंने जो प्रमोशन करा था उन्होंने जो है लोगों के साथ जो है स्कैम कर दिया। एंड आप लोगों को पता ही होगा आजकल जो है स्कैम बहुत होता है एंड उसी से रिलेटेड जो है किसी ने ट्वीट करा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि शहीद हुजबा अली जो है मतलब प्रमोशन करके स्कैम करवा रही है ऐसा कुछ एंड पुलिस वगैरह को टैग करा था। एंड उसके बाद जो है शहीद हुजबा अली ने एक पोस्ट करा था जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जिसमें उन्होंने जो है स्क्रीनशॉट भी दिखाया था एंड लिखा था कि मतलब वो जो है सिर्फ प्रमोशन करती है, उनको नहीं पता था कि ये जो है स्कैम भी हो सकता है। एंड आप लोगों को पता ही होगा अगर कोई प्रमोशन करता है तो उसको थोड़ी ना पता है कि वो स्कैम है या नहीं, उसी से रिलेटेड ये जो है उन्होंने पोस्ट करा था। एंड आप बाकी भी पॉज करके रीड कर सकते हो एंड उन्होंने कहा कि वो सब इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मैं आता हूं जलाद एंड रईस भट्ट के बारे में। जलाद ने जो है 10 मंथ पहले रईस भट्ट को रोस्ट करा था, उसी का रिप्लाई करते हुए आज जो है रईस भट्ट ने एक वीडियो अपलोड किया जहां पे उन्होंने बताया कि उनको जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जलाद से रोस्ट करवाया उन्होंने जो है मतलब वो स्क्रिप्टेड था मतलब फेमस होने के लिए। एंड उन्होंने आज की वीडियो में बताया कि वो जो है स्क्रिप्टेड नहीं था, उनसे परमिशन भी नहीं ली गई थी एंड जो भी मतलब रोस्ट वगैरह करते हैं तो उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने रिप्लाई वगैरह करा था। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ बारे में बात करते हैं, मैं बात करूँ सेठी एक्सप्रेस एंड आमिर माजिद के बारे में। तो बहुत सारे लोग जो है सेठी एक्सप्रेस को बोलते रहते कि थे कि आमिर माजिद से मिलो, उनके साथ जो है कोलैब करो एंड फाइनली जो है सेठी एक्सप्रेस ने जो है आमिर माजिद के साथ मिल लिया है एंड उन्होंने जो है एक कोलैब वीडियो भी अपलोड करा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड बस यार आज की वीडियो में इतनी न्यूज़ ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।